ओम नमः शिवाय। आज हम आपके साथ ऐसा रिचुअल शेयर करने जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत आजकल बहुत सारे लोगों को है, और बहुत सारे ऐसे लोग मेरे से इंक्वायरी भी करते रहते हैं, जिसके लिए एक बहुत ही यूनिक रिचुअल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे घर पे अपने करें और ज़रूर आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये रिचुअल है किसके ऊपर? जैसा कि आपने अभी यहाँ देखा, एक सिंबल आपको नज़र आया और कुछ पिंक कलर के स्टोन, ज़्यादा पिंक एनर्जी नज़र आई। तो पिंक एनर्जी क्या है? पिंक एनर्जी है लव की एनर्जी, हार्ट की एनर्जी। तो ये जो रिचुअल है, ये हम लव के लिए शेयर कर रहे हैं। लव दो अलग-अलग व्यक्तियों के बीच में जो एक संबंध है, उसे प्यार का नाम दिया जाता है, जब हम एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। ये जो लव है, ये हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, ये रिलेशनशिप हो सकता है, किसी भी तरह का। आजकल बहुत सारे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास जिसमें ऐसा है कि उनका या तो हस्बैंड वाइफ के बीच में बन नहीं रहा है, झगड़ा हो रहा है, ऐसा डिस्प्यूट हो गया है, डाइवोर्स तक बात पहुंच गई है, इवन डाइवोर्स भी हो गया है, या किसी बात को लेके ऐसा मन मुटाव हो गया है, किसी थर्ड पार्टी को बीच में कोई तीसरा पर्सन आ गया जिसकी वजह से कि मन मुटाव चल रहा है। तो किस तरह से हम वो एनर्जी जो निगेटिव है, जो हमारे रिश्तों को पोल्यूट कर रही है, रिश्तों से हमें दूर कर रही है, उसे दूर किया जाए और फिर से उन रिश्तों को पूरी तरह से मजबूती के साथ जोड़ा जाए। तो यहाँ पर आपको एक सिंबल दिख रहा है। ये सिंबल वैसे बहुत पुराना है और बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, फेंगशुई वगैरह में भी यूज़ होता है। इसे मिस्टिक नॉट कहा जाता है, या अनंत गांठ हिंदी में कहते हैं। मिस्टिक नॉट का मतलब है एक ऐसी गांठ, एक ऐसा चिन्ह जिसका ना तो हमें शुरुआत पता चलता है और ना अंत, यानी ये शुरू कहाँ से हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है पता नहीं है। तो इस अनंत गांठ के जैसे, इस मिस्टिक नॉट के जैसे हमारे रिश्ते भी पूरी तरह से मिस्टिक हो जाए, मजबूत हो जाए, अनंत हो जाए, ये रिचुअल उसके लिए किया जाएगा। हमने अपने यहाँ पर वैदिक कल्चर में कुछ इस तरह के कांच के ग्लासेस के ऊपर ये सिंबल लगाया है, जिससे कि आप इजीली सिंबल्स की एनर्जी को ले सकें, क्योंकि ये सिंबल वैसे कई लोग स्टिक करते हैं, इसे बेडरूम में साउथ वेस्ट वॉल पे स्टिक किया जाता है रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए, जोड़ने के लिए। अब ये स्पेशल ग्लास बनाया है, आप हस्बैंड वाइफ दोनों इसमें अपना चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जिससे कि आपकी ये जो मिस्टिक एनर्जी है, ये आपके साथ हर समय जुड़ी रहे और आपके रिश्तों को मजबूती देती रहे। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक आपको रिचुअल बता रही हूँ। ये रिचुअल आप प्रेम के अलावा बहुत सारी चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि मिस्टिक नॉट जो है वो किसी भी चीज़ को अनंत रूप में हमें पहुँचाती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक जार बनाया था, ये मैंने अपना सक्सेस के लिए, बिजनेस प्रॉस्पेरिटी के लिए, पीस ऑफ माइंड और घर में पूरी तरह से ब्लेसिंग्स आए, सौभाग्य आए, उसके लिए बनाया। मैंने अलग अलग तरह के यहाँ पे क्रिस्टल्स डाले थे इसके अंदर, और इसका जो रिचुअल था वो करके। और ये एक पिरामिड है जिसके अंदर एक सिंबल है, जो पावर सिंबल भी जिसे कह सकते हैं। इस सिंबल के द्वारा इस एनर्जी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये रिचुअल मैंने किया, और इसके बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने कुछ लोगों के लिए जिनके डिस्प्यूट्स चल रहे थे आपस में, हस्बैंड वाइफ के डायवोर्स के भी प्रॉब्लम्स थी कुछ लोगों को, उनके लिए भी ये रिचुअल किया था। वो रिचुअल मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। आपको दो इस तरह के रोज क्वार्ट्स के हार्ट चाहिए, वो सेम शेप में हो सकते हैं, डिफरेंट शेप में हो सकते हैं, किसी भी तरह के। इस तरह के रोज क्वार्ट्स की जो एनर्जी होती है वो लविंग एनर्जी होती है। तो इस तरह के दो हार्ट ले लें, और ये हमारे पास एक मंडला है। आपके पास मंडला है तो बहुत अच्छा है, नहीं है सपोज तो किसी भी आप पर रेड कलर के या पिंक कलर के पेपर ऐसा लेके उसके ऊपर इस तरह से 8 वॉन्ड्स जो है ये लगाते हैं, जिससे कि एनर्जी पूरी तरह से इसकी अंदर आती है और अंदर आने के बाद उसको मैनिफेस्ट करती है चीज को। तो ये हम एक मंडला का बना सकते हैं। ये 8 हमने वॉन्ड्स यहाँ लगा दिए हैं क्रिस्टल के साथ में। यहाँ पे रॉ रोज क्वार्ट्स भी हमने यूज किया, जिसको हमने एनॉइंट किया था, इस तरह का एक अट्रैक्शन ऑयल हमने बनाया था,
उस अट्रैक्शन ऑयल से इसे अनॉइंट किया है। आपके पास है बहुत अच्छा है, नहीं है सिंपल रॉयल स्टोन ये भी नहीं है, सिर्फ ये दो हार्ट ले लीजिए। इसके ऊपर जिनको भी आपको जोड़ना है, जिनको भी आपको बांधना है, उनके नाम लिख दीजिए। नाम आप रेड कलर के पेन से लिख सकते हैं। सपोज यहाँ मैं नाम लिखती हूँ डिम्पल, और यहाँ मैं नाम लिखती हूँ ललित। ये दो अलग अलग लोगों के मैंने नाम लिखे। इसके बाद मैंने ये ग्लास लिया, ये मिस्टिक नॉट जिसके ऊपर है, और इस हार्ट को इसके अंदर कुछ मैंने इस तरह के टम्बल्स हैं रोज क्वार्ट्ज के, उनको प्लेस कर दिया। और इसके साथ साथ मैंने कार्नेलियन भी यहाँ लिया है, और ये ग्रीन एवेंचुरिन भी लिया है। तो कार्नेलियन जो है वो भी एक लविंग एनर्जी को और क्रिएटिविटी की एनर्जी को, अट्रैक्शन की एनर्जी को बढ़ाता है, और ऑटोमेटिकली जो निगेटिव एनर्जी है उसे रिमूव करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए जब ये इसके साथ रहेगा तो इसके अंदर कोई भी निगेटिव एनर्जी आने के चांसेस नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पर ये क्रिस्टल्स भी इसके अंदर डाल दिए हैं। इन क्रिस्टल्स को मैंने पहले से प्रोग्राम किया हुआ है लविंग एनर्जी के साथ, कि जिसके साथ में भी ये वर्क करें उनकी एनर्जी को एनहेंस करें, उनकी लव एनर्जी, उनकी बाउंडिंग्स को एनहेंस करें। इनको रेकी के द्वारा और लामा फेरा के द्वारा इनकी एनर्जीज को बढ़ाया है, इनको एनर्जाइज किया है। अब ये जो ग्लास है इसको मैं इस मंडला के अंदर यहाँ बीच में रखती हूँ, और इसके बाद में यहाँ पर जो दो मैंने नाम लिखे थे अलग अलग, जो हस्बैंड वाइफ है मान लो उनके अंदर कोई डिस्प्यूट है तो वो एक हो जाए, उसके लिए ये दो हार्ट के ऊपर, अगर आपके पास दो हार्ट नहीं है आप एक ही हार्ट के ऊपर भी दोनों के नाम लिख सकते हैं। इसको मैंने इस मिस्टिक लोटस मिस्टिस के ग्लास के ऊपर, नॉट के ग्लास के ऊपर प्लेस कर दिया है। अब ये अंदर रखने के बाद यहाँ पर मैं, अगर ये अंदर चले जाते हैं तो पिरामिड रख सकती हूँ, नहीं तो मैं इसको इसी तरह से यहाँ रखूंगी मैनिफेस्टेशन के लिए। और उसके बाद जो भी मेरी विश है, जो भी मेरी इच्छा है कि इन दोनों के अंदर एक अटूट संबंध बना रहे, उसकी एनर्जी मैं राइट हैंड से प्रेयर करके दूंगी, और लेफ्ट हैंड को मैं ऊपर की ओर यूनिवर्स से कनेक्ट करके रखूंगी। और अगर मैं एंजल्स के साथ जुड़ती हूँ तो आर्कएंजल चैमुल के साथ, और अगर मैं किसी गॉड की एनर्जी के साथ जुड़ती हूँ तो अर्धनारेश्वर यानी महादेव और माँ भगवती के साथ जुड़ के प्रेयर करती हूँ कि इसके अंदर जिन दो लोगों के हार्ट की एनर्जी है वो हमेशा इस अटूट गांठ में बंधे रहे, हमेशा उनके बीच वो प्रेम का संबंध बना रहे। ऐसी विश के साथ इस मंडला के ऊपर मैं इस ग्लास को प्लेस करती हूँ, और आपको ऐसी जगह पे इसको प्लेस करना है जो जहां से इसे रोज रोज हिलाया ना जा सके। इसे आप अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखेंगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो स्टेबिलिटी के लिए भी होता है और रिलेशनशिप के लिए भी होता है। तो अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में इस ग्लास को इस तरह से प्लेस कर दें, और एवरी डे मॉर्निंग में आप उसके ऊपर विश कर सकते हैं, विश करें, नॉट कर सकते, करनी है कि इनके बीच में हमेशा वो अटूट संबंध, वो प्रेम का संबंध बना रहे। ये मिस्टिक नॉट जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर में जाके इनके संबंधों को बहुत अच्छे से जोड़े रखेगी। और अगर डाइवोर्स की स्थिति आ रही है या बहुत ज़्यादा मनमुटाव है तो वो मनमुटाव भी दूर हो जाएंगे। ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने इसके रिजल्ट्स लिए हुए हैं, इसीलिए मैं इसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा है आप भी जब इस रिचुअल को करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। इसी के साथ हम अगले एपिसोड में फिर एक नए रिचुअल, एक नई चीज़ के साथ, एक नई टिप के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।